हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तरह सर क्लासिव राज के लिए लेकर आयो क्लास एलेवं की पॉइंट लेबरनम टॉप के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर आपको बताना है व्हाट वट लेबरनम टॉप मीन हियर लेबरनम टॉप का मतलब यहाँ पर क्या है द टॉप पार्ट ऑफ एनी ट्री द टॉप पार्ट ऑफ द लेबरनम ट्री द टॉप पार्ट ऑफ अ फिक्शनल ट्री और इट डज नॉट मीन एनी सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यहां पर क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ नॉइजी आपको नॉइजी का ऑपोजिट ऑपोजिट यानी बिल्कुल उल्टा वर्ड बताना है क्वाइट क्वाइट और 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 साइलेंट और करेक्ट आंसर है यहां पर साइलेंट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए वट हैज हैपन टू द ट्री आपको बताना है पेड़ के साथ क्या हुआ है द ट्री हैज बीन वर्शिप द ट्री हैज बीन कट डाउन द लीव ऑफ द ट्री हैव Purple and are falling down, or the leaves of the tree have turned yellow and its seeds are falling down. or correct answer is here, option D. Have to go. Question number 4: What effect does the line and the laburnum subsides to empty create? So, it creates a contrast between liveliness of the tree and its silence, it creates a contrast between the change of season, it creates an opportunity to plant more laburnum tree or it creates a scene of the arrival of the new bird species on the tree. और करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए द लेबरनम टॉप इज आपको बताना लेबरनम टॉप क्या है क्वाइट ब्यूटीफुल और बैरन और क्वाइट ग्रीन और क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल और करेक्ट आंसर है क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए हाउ डज द सेप्टेंबर सनलाइट अपियर सेप्टेंबर की सनलाइट कैसी दिखती है ब्राइट लाइट येलो येलो और रेड और करेक्ट आंसर है यहाँ पर येलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए अ फ्यू लीव्स यानी जो पेड़ के कुछ पत्ते हैं उनके साथ क्या हुआ है देर गोइंग रेड आर टर्निंग येलो और हैव ड्राइड और करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के लिए द गोल्डिंच कम्स आपको बताने गोल्डफिंच कैसे आता है विद विदिंग चेरअप एंड सैडनेस विद लाउड नॉइज एंड साइलेंटली एंड इट कम्स साइलेंटली आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए द गोल्ड फिंच इज आपको बताने गोल्ड फिंच क्या है स्लीक एंड डल स्लीक अलर्ट एंड एब्रप्ट स्लीक अलर्ट एंड स्लो स्लीक केयरलेस एंड एब्रप्ट और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर और क्वेश्चन नंबर टेन के लिए है ट्रिलिंग्स आर आपको बताना है ट्रिलिंग्स क्या होती हैं ट्रिलिंग्स आर लॉन्ग हाई साउंड और क्वेश्चन नंबर इलेवन में बताइए बैड फीस का यहां मतलब क्या होता है तो ऑप्शन है कवर्ड फीस फेस विद स्ट्राइप ऑन इट एंड कवर्ड बाय लीव कवर्ड बाई ब्रांचेस तो लिटल मीनिंग होगा फेस विद स्ट्रिप्स ऑन इट और उसका रीजन है कि आपने देखा ही होगा कि जो लेबन जो लेबनम ट्रीपे हम मैंशन कर रहे हैं और उसपे जो बर्ड आता है गोल्फिन उसके जो है स्ट्राइप होती है थोड़ी सी कलर की एक लाइन होती है उसके गले में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको बताना है द विल चिरा स्प्रिंग्स ऑफ द बर्ड आर फ्रीक्वेंट एंड लाउड स्वीट मेलोडियस और स्ट्रेंज एंड डेलीकेट तो करेक्ट आंसर यहां पर स्ट्रेंज एंड डेलीकेट क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखिए आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द दिबर ट्री बिकम्स कैसा बन जाता है एम्पी काम एम्पी एंड साइलेंट अगेन और द एंडलेस स्काई करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आपको बताना है द इनफाइनाइट हेयर मीन्स इनफाइनाइट का मतलब बताइए आप द इनफाइनाइट लीव्स एंड ब्रांचेस The numberless tree, the endless sky, the infinite chirp whispering. और करेक्ट आंसर है यहां पर द एंडलेस स्काई तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहां स्टॉप करूंगा सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग सर क्लासेस एंड हैव वेरी नाइस डे